जैसा कि ये हमारे ग्रुप का ग्रैंड डिनर है और पूरे पाकिस्तान से हमारे वोटर्स यहाँ पे आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हमें खबर मिली कि हमारे बलूचिस्तान के 22 वोट्स और बहाल हो गए, तो कुल मिला के अभी 46 वोट हो गए हमारे पास बलूचिस्तान के। मैं समझता हूँ ये सारा एक गेम चेंजर है और वैसे भी हमारी पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी और स्ट्रांग इस हवाले से थी कि कराची आपको मालूम है बीएमपी का गढ़ है और हमारे मेजोरिटी हमारा शहर है इस शहर के अंदर और लाहौर बेहिसाब लोग हमसे वहाँ मोहब्बत करते हैं। सारी एसोसिएशन ने हमारे वहाँ पे तकरीबन 5 इवेंट हमारे को बुला के किए हैं और बहुत ही मोहब्बत का इजहार किया है। मैं समझता हूँ लाहौर भी पूरा हमारा है, कराची भी पूरा हमारा है और बलूचिस्तान आपको पता है कि हमारे फारूक भाई हैं, उन्होंने पूरी मजबूती के साथ अपना हक कोर्ट से लिया, अदालत से लिया, जबकि डीजीटीओ के पास जो जो हरकतें हुई हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जानता है कि डीजीटीओ ने क्या क्या काम किए हैं हमारे साथ। बहरहाल अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पे कामयाबी अता फरमाई और बलूचिस्तान भी हमारा और केपीके भी हमारा और पंजाब भी हमारा और सिंध भी हमारा। इंशाल्लाह ताला कल सूरज निकलेगा और हमारे वोटर्स अपने घर से निकलेंगे और सारे अपने वोट कास्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला शाम को आपको हम खबर देंगे कि बीएमपी ने बहुत भारी अक्सरियत के साथ यहाँ पे कामयाबी हासिल की है फेडरेशन में और क्लीन स्वीप इंशाल्लाह ताला हम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। तो आज ये इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी वोटर्स आर हेयर और दे ऑल आर सपोर्टिंग अस, अनकंडीशनल दे आर सपोर्टिंग अस। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कल हमारा इसी वक्त जश्न होगा जीत का इंशाल्लाह ताला। जो ये इंतखाबात हो रहे हैं वो एक तारीखी इंतखाबात होंगे इस लिहाज से कि दो बहुत ही मजबूत पैनल मैदान में हैं और दोनों ने बहुत काविशें की हैं, कोशिश की है। जो बिजनेसमैन पैनल का जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका अपना एक मंशूर है और वो मंशूर वो है जिसपे वो गुज़श्ता 5 साल से कारबंद है और बिजनेस कम्युनिटी के जो भी मसाइल रहे हैं उनको बहुत कामयाबी के साथ हल करने की कोशिश की है। हमारा मत में नज़र ये रहा है कि तमाम बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को और सरकार के लोगों को बाहम एक दूसरे के साथ बैठ के मुशावरत से बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करने चाहिए। ये हमारी मुल्क की बजट की तारीख में ये एक वाहिद ग्रुप है जिसमें ज़करिया उस्मान साहब ने इंडिपेंडेंटली एक अल्टरनेट बजट पेश किया जिसको वहाँ के लोगों ने, जिस सरकारी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि वाकई एक अमल काबिल अमल बजट है। हम इंशाल्लाह उसी तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया। हर घर से मिर्जा निकलेगा, हर ट्रेड बाजी से मिर्जा निकलेगा, हर मईशत की मैदान से मिर्जा निकलेगा। तुम कितने मिर्जा मारोगे? कहते हैं जिनको तूफानों से उलझने की आदत हो मिर्जा, ऐसी कश्ती को तो समुंदर भी दुआ देते हैं। इंशाल्लाह ताला फतह नसीब बिजनेसमैन पैनल का है और कल का जो सूरज ग़ुरूब होगा वो इस चीज़ के साथ कायम और दायम होगा कि मईशत की तरक्की और बिजनेसमैन पैनल की फतह होगी इंशाल्लाह ताला। खुदा देखिए बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में हमेशा से उन्हीं लोगों को कामयाब करती है जो काम करते हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये इन्होंने जो 2 साल गुजारे हैं तो अब कौम फैसला करेगी और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि इस टीम ने काम किए हैं और ये एक ब्रिज होता है गवर्नमेंट और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान, ये इदारा ब्रिज होता है FPCCI। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला यहाँ के कामयाबी हासिल करके बिजनेस कम्युनिटी के साथ अच्छा रिलेशन कायम करेगी और अभी तो खुशकिस्मत ये है कि मोहतरम आर्मी चीफ साहब भी हर वक्त बिजनेस कम्युनिटी का साथ देने की बात करते हैं और आज भी बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में और माइन में और इस चीज सब चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी वो किए, तो ये भी है खुशकिस्मत ये इनके और इंशाल्लाह ताला मिल के ये चला लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखिए जी हमारा ये आखिरी बीएमपी का जो हर साल इलेक्शन से एक दिन पहले पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ मौजूद हैं और ग्रैंड डिनर जो है वो आज हमने यहाँ पर दिया है। यहाँ पे बलूचिस्तान से, क्वेटा से, लाहौर से, पंजाब से, गुजरावाला से, सियालकोट से, पूरे पाकिस्तान से आज यहाँ लोग मौजूद हैं। आप बल्कि दिखाएं पब्लिक की, आवाम को अगर कैमरे से
कि माशाल्लाह हमारे वोटरों ने यहाँ पर आखिर आज साबित कर दिया है कि कल की जीत इंशाल्लाह ताला हमारी होगी इंशाल्लाह ताला। ये जो इलेक्शन अभी इनका होने जा रहा है फेडरेशन का, इसमें हम भरपूर अपनी ताईद बीएनपी के साथ करते हैं और ये श्योर करते हैं कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए बेहतरी की कोशिश बीएनपी ने दो तीन सालों में की है, इसका कोई भी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया जा सकता। और हम इसीलिए बीएनपी का साथ दे रहे हैं क्योंकि बीएनपी ने बिजनेस कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलर काम किया है, जो पहले रवायात थी उनको तोड़ा है और आगे ये अच्छी क़यादत को लेके हैं जिन्होंने भरपूर काम किया। और कल के इलेक्शन के हवाले से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कम अज़ कम 50 से 60 वोटों की बढ़तरी से इंशाल्लाह ताला इसको विन करेंगे और बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो पहले काम हुए हैं उसको भरपूर हम इसकी तायद करेंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा जो भी बिजनेस पार्लियामेंट के फैसले हैं, जिस तरह के पिछली अदवार में होना शुरू हुए कि फेडरेशन को भी ऑन बोर्ड लिया गया, ये सिर्फ बीएनपी की कोशिशों का नतीजा थी और इस नतीजे को इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे भरपूर कैश किया जाए। माशाल्लाह अंजुम निसार साहब की सरबराही में बीएनपी जिस मजबूती से खड़ा हुआ है और जिस तरह से मकबूलियत हासिल करता जा रहा है, मुझे यकीन है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और दुआ गो भी हूँ इंशाल्लाह ताला बीएमपी को यादगार कामयाबी मिलेगी।